अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं भतीजी को स्कूल छोड़ने गया हुआ था, तो उसको स्कूल छोड़कर वापस आ रहा हूँ और आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। आप सबको मुबारक हो जिस जिसने रखा है, अल्लाह ताला उनका रोज़ा कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं रखा अल्लाह ताला उन्हें अगले रोज़े सारे रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अभी तकरीबन टाइम हो गया 8:30 और 8:30-9 हो गया, तो अभी चलकर रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद चलते हैं जी कचहरी, क्योंकि रमज़ान में एक फ़ायदा है कि सिर्फ जल्दी जल्दी कपड़े पहनने और निकल जाना, क्योंकि रोज़ा होता है तो सुबह सुबह टाइम ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयारी में। सो चलते हैं जी घर और चल कर जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं जी कचहरी की तरफ। मिनिमम या मैक्सिमम तकरीबन 2 महीने मुझे हो चुके हैं कि मैंने व्लॉग अपना शूट नहीं किया। उसकी रीज़न एक तो ये थी कि जब कचहरी शुरू की तो कचहरी की जो गैदरिंग है वो कुछ इस तरह की है कि उधर डेली व्लॉगिंग वाला जो जिस तरह से मैं कंटेंट पहले बनाता था उस तरह से शायद नहीं बन सकेगा, क्योंकि जो गैदरिंग होती है उसका आप लोगों को अंदाज़ा है कि असर बंदे पर पड़ता ही पड़ता है। हाँ, टिकटॉक वगैरह बनती है, ठीक है, जब 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 उधर टाइम मिले, और जब टाइम ना मिले तो वो भी नहीं बनती। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब आने वाले दिनों में कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब जो है ना रूटीन में व्लॉग्स अपलोड करूँगा, लेकिन फिर रूटीन जो है वो दरमियान से कट आउट हो गई थी, पीछे रूटीन से हम पीछे हट गए थे, तो उसके लिए माजरत। और अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी पूरी कोशिश करेंगे, रोज़ नहीं तो 1 या 2 दिन के बाद एक आधा व्लॉग ज़रूर अपलोड हो जाए। अच्छा, अभी सीन ये है कि अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और आज मैं फुल फॉर्म में हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया, जूते भी पहन लिए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है जी हमारे सीनियर, हमारे बॉस जो हमारे बड़े भाई हैं काशिफ भाई, उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो रेडी होकर आते हैं तो फिर कचहरी की तरफ निकलते हैं। अभी तकरीबन टाइम 9 बजने वाले हैं, तो इंतज़ार करते हैं भाई का। और तब तक आप ना एक क्लिप देखें जो मैंने कल बनाया था दिन में, जब इशार लोगों को मैं ना ब्लाई लोगों को ऊपर धूप में लेकर गया था, तो उधर थोड़ी देर हम बैठे थे, वो आपके साथ क्लिप शेयर करता हूँ। तब तक आप वो देखें जब तक भाई आते हैं, फिर निकलते हैं कचहरी की तरफ। बिलाज, मोहम्मद बिलाज, उधर देखो आप ही, आपको क्या कह रही, ओके नोजी ठीक करते, पहले इसको पढ़ाओ। सी पढ़ो, डी नो, पहले पढ़ो डी, ई, आई, एफ, 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 बिलाज पढ़ो, बिलाज, चलो हम नीचे चलते हैं, फिर बिलाज को ज़ोंबी खा लेगी। आ जाओ, आप ही आओ, हम चले, बिलाज फिर बात नहीं मानता, नहीं हमने बिलाज को नहीं लेके जाना, बिलाज इधर ही रहेगा। ओ मूसा, हगी करो भाई को जल्दी, फाइट नहीं करनी। बिलाज साहब, बिलाज साहब क्या कर रहे हैं आप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, हरी अप, आप ही समझाओ इनको, कैसे नहीं करते, इनको कहो बुरी बात है, बुरी बात है, और डोंट डू इट, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ये बेटा जो आपका टंकी है ना वाटर टंक, वो ओवरलोड हो गया। हाँ जी, पानी नहीं को, नो बेटा ये ओवरलोड हो गया, वो जो ऊपर है ना वाटर टंक, ये ओवरलोड हो गया। मूसा, बिलाज क्या कर रहे हो,
अच्छा कचहरी में टाइम नहीं मिला सारा दिन, तो अभी इस वक्त कचहरी से वापसी आ रहे हैं, तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो इस वक्त वापसी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रास्ते में ज़रा सामान वगैरह कुछ लेने के लिए रुके थे, तो उसके दरमियान मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लें। अच्छा कल जो मेरा व्लॉग अपलोड हुआ था ना यूसरा बतूल वाले केस पर, उसमें आज थोड़ा सा सीन ये है कि आज ना मेरी उनकी फैमिली में बात हुई है, उनके जो भाई हैं आगा उमेर जो इस टाइम बाकायदा इनरोल है हैदराबाद की कचहरी में वकालत की जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई आकाश को हॉस्पिटल किसी दूसरे में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इन मामला से जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो आपके साथ मैं इंशाल्लाह रब्ता करूँगा, तो जैसे ही वो रब्ता करता है तो उसके साथ फिर डिस्कस करके देखेंगे कि क्या हालात वाकयात अभी हैं, और FIR अभी तक उन्होंने करवा दी है, जो यूसरा बतूल और आगा आकाश की फैमिली, इन्होंने FIR करवा दी है, और वो FIR थी सिंधी में लिखी हुई थी, तो मुझे सिंधी नहीं आती, तो मैंने इसका भी आगा उमेर को कहा है कि काइंडली इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करिएगा, तो वो जिस तरह आती है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा उसमें 302 लगी है, 324 लगी है और 37 लगी है, ठीक है इसके बारे में मज़ीद घर जा के बात करेंगे, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो ये हालात वाकया हैं जी उसके बारे में। दिन में बस थोड़ा सा ये है कि आज ज़रा एक तो पहला रोज़ा था तो रूटीन भी आज ज़रा कुछ चेंज हुई है, तो उसकी वजह से ज़रा उधर कचहरी में भी नहीं वीडियो बना सका, तो मज़ीद घर जा के आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं। चाचू ने ये स्ट्रॉबेरी खाई है, जाओ ये किचन में रख के आओ जल्दी। घर आने के बाद इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने इफ्तारी की, इफ्तारी करने के बाद अभी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अभी बैठा था, तो थोड़ी देर मैंने स्ट्रॉबेरी खाई है, और स्ट्रॉबेरी खाने के बाद इशाल फातिमा नज़र आई, तो इसको थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा तंग कर लें। अब क्या करने लगी हो, पेंटिंग करने लगे, ब्रश की तरह चेक कराओ आगे आओ, ओनली वन ब्रश, पानी लिया उधर पड़ा, चलो हाँ पेपर किधर है, किस पे पेंटिंग किस पे करनी, इस पे ओके, इसको खराब करने लगी हो आज, मुझे तो लगता आप खराब करने लगी, पेंट करने लगी, चलो इधर इधर रखो टेबल के ऊपर, अभी स्टार्ट करती हो, इसको क्या इसको रहने दो, वो आपकी बनी हुई है ना उसमें जा, उसमें से ब्रश लगाओ, अभी एक मिनट अभी मेरी बात सुन, इसको थोड़ा सा ड्राई करो ठीक है, इसको इतना गीला नहीं करना ओके, चलो अब लगाओ उसमें से, अब ये हाँ जी ये लगाओ ब्लू, एक ए, अब क्या बनाने लगी, ए ए ओके ओके चलो बी, हाँ जी अब बी बनाओ, पीछे बी नहीं इधर ही बनाओ ना, अभी इधर स्पेस है, इधर बनाओ आराम से आराम से ना, ऐसे नहीं बेटा ये पेंसिल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हैंडी करके ऐसे ठीक है, ठीक आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो, इसको दबा के नहीं करना ओके, एक मिनट रुको मैं पिच मैं आपको बताता हूँ, ये इतना पानी है ना ठीक है, ये ज्यादा पानी नहीं लगा, कौन सा कलर लेना पहले बताओ, मैं आपको पिंक पिंक, अब इसको पहले इधर से थोड़ा थोड़ा सा कर लो, चलो बस इतना पानी बहुत है, इनफ है ओके, अब क्या लिखना, अब लिखना सी, अब सी लिखना सी ओके, एक मिनट रुको इधर आओ एंडी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कलर नहीं ठीक लिया, ये पानी को रखो इधर, कलर आप लो ग्रीन, एक मिनट ऐसे नहीं ऐसे ब्रश खराब हो जाए, ओके ये बेटा व्लॉग बना रहा हूँ, हाँ जी अब एक मिनट रुको एक मिनट, थोड़ा सा पानी लेंगे, ये जो हमने इधर रखा था ब्लू वाला पानी इसमें से डिप करेंगे,
ओके चलो होल्ड करो ऐसे, एक मिनट नीचे बैठ जाओ, ये ऐसे करेंगे ऐसे। ओके ओके चलो डन, आज के लिए इतना इनफ है ना, अभी और करना आज, आज सारी डायरी खराब करनी नहीं। हाँ जी आज मेरी बात सुनो ना, आज इतनी डायरी आपने जो खराब कर दी है ना, ये काफी है ठीक है, अभी अभी कल के लिए ओके, अभी अभी आज छुट्टी होगी ठीक है, आज के लिए होमवर्क हो गया डन, फिर हम बाकी जो रहता है वो फिर कल करेंगे। कल मेरी बात सुनो, कल अगर खत्म होगा फिर चाचू आपके लिए न्यू लेके आएंगे ओके डन, आज के लिए ओके ओके, अभी स्लीपिंग टाइम अभी गुड नाइट, गुड नाइट कर दो, ये मैं कर देती हूँ, ये नहीं करती। नहीं वो जो पेज पे आपने किया है ना, ये सारे पेज ना ना खराब करो, किधर किया ये किया है ना, और दूसरा पेज किधर है, किधर है दूसरा, एक मिनट रुको, ये क्या लिखा हुआ, और ये निकल आया, एक मिनट ये क्या है, मामा ने ला। ओके ओके ये है, इस पे लिखो, इधर लिखो एच, लिखो एच, चाचू का जो फर्स्ट स्पेल है ना वो लिखो, हाँ जी ऐसे आगे मामा प्रिंट करके। चलो अब ये कौन सा है, ग्रीन। लाइट ग्रीन ओके ग्रीन। जी ये वो जो है ना वो फर्स्ट वाला वो डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है ओके, ओके। चलो अब मैं डी बनाऊंगी पहले, नो पहले हम एच बनाएंगे, एच को कैसे, एच कैसे, एच आपको नहीं पता, मैम ने पढ़ाया नहीं, चलो मैम को फाइन करते हैं अब, फिर इधर आओ इसको ऐसे होल्ड करो, एक मिनट रुको, इसको जैसे हम ए लिखते हैं ना ए में, तो ऐसे आप इसको ऊपर से ऐसे कर देती हो ना, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे जी ऐसे, फिर ऐसे सीधा स्ट्रेट, ये आपने खराब कर दिया, एक मिनट रुको ऐसे, हाँ हाँ ए एस, ये एच हो गया ओके, एच ऐसे ए नहीं होता ना, ये ए नहीं है ये एच है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो एच होता है वो फिर ऐसे होता है ओके ओके। चाचू का जो नेम है ना हमजा, उसका पहला जो लेटर है वो एच है ओके ओके, उसके बाद फिर ए आता है, और आज हमने दोनों लिख लिए ठीक है, ठीक अभी आज के लिए ओके इनफ, अब डी नहीं, डी ना अब फिर ओके करके फिर डी, ओके क्या दी। नहीं अब अल्लाह हाफिज करो ना बस, स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, अब इसका तो पता नहीं कितनी देर चलना है, आज का व्लॉग करते हैं जी एंड, मिलते हैं आपके साथ किसी अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, और इशाल फातिमा को ज़ॉम्बीज खा लेंगी ओके, इशाल मैं जा रहा हूँ लाइट ऑफ कर, ओके 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 ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।